Assalamu alaikum, respected chair. Hope you are doing well. My name is nimra Ramzan, roll number 53. I'm here to present project number 7 on behalf of my other group members. Afaq Abdurrahman is the leader of my group. Rabia Bati, Rafia, Taiba Ameen, and Minahil Mishal and Zishan are the members of my group. The topic that was assigned to us is the introduction to the PowerPoint. I'll try my best to explain this topic. Let's start. Content. Slide animation. Animation effects, slide timings, pictures, and background drawing tools are some topics that are included in project number 7. Which is assigned to us. Let's start from our first topic that is slide animation. Slide animation basically is a tool hota जिससे हम अपनी स्लाइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो स्क्रीन पे किस तरह अपीयर होंगी हम अपनी स्लाइड्स में ट्रांजिशन इफेक्ट या एनीमेशन अप्लाई करके उसको बेस्ट से बेस्ट लुक दे सकते हैं हम स्लाइड्स पे मोस्टली ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई होता है जो कि हम पावर uh, पॉइंट में अप्लाई कर सकते हैं और इसमें टेक्स्ट पे और पिक्चर्स पे एनिमेशन अप्लाई होती है और स्लाइड्स पे ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई होता है एनिमेशन अप्लाई करने का मेथड ये है कि हम जो सब जिस ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं, हैं ये टेक्स्ट पे सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे फिर हम जो एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं उसको चूज करके सेलेक्ट करके उस पर अप्लाई कर देंगे नाउ लेट अस हैव अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसमें हम ट्रांजिशन के टैब पे जाएंगे जो एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं हम ट्रांजिशन पे इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं हम सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हम जो अप्लाई करना चाहते हैं हम हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है स्लाइड्स पे ट्रांजिशन इफेक्ट और इसके बाद हम टेक्स्ट पे हमेशा एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई होता है ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई होता है हमारे पास स्लाइड्स पे जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट किया है और इस पर एनिमेशन पर जाके हम कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर स्लाइड्स पे एज इट इज़ हमें वही इफेक्ट शो हो रहा है और उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं अपनी मर्जी का चूज़ कर सकते हैं पिक्चर सेलेक्ट की है उस पर जाके हम कोई भी कोई भी एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई कर लेंगे एनिमेशन टैब में जाके जो भी हम अप्लाई करना चाहते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन में अपीयर हो रहा है कि हम पिक्चर पर अप्लाई कर रहे हैं नेक्स्ट अब हम जाते हैं एनिमेशन इफेक्ट्स की तरफ जैसे कि आप जानते हैं पावर पॉइंट में एनिमेशन इफेक्ट्स हमारे पास डिफरेंट टाइम्स के होते हैं देर आर सेवर एनिमेशन इफेक्ट्स दैट यू कैन चूज स्ट्रॉम एंड देयर आर ऑर्गेनाइज इन टू फोर टाइप्स हमारे पास डिफरेंट किस्म के एनिमेशन इफेक्ट्स होते हैं लेकिन हमारे पास मोस्टली अब ये चार कैटेगराइज कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं एक एंट्रेंस एंट्रेंस जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है हमारा टेक्ट तक, हमारा टेक्सट ये स्लाइड हम किस तरह एंटर होगी उसके अलावा एम्फेसिस एंड एग्जिट एग्जिट हमारे पास हमारी स्लाइड किस तरह एग्जिट कर सकती है नाम सजेस्ट कर रहा है मोशन पार्ट्स मतलब कि हम अगर चाहते हैं अपनी स्लाइड को अपने टेक्स्ट को सर्कुलर रोटेट करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ से मोशन पार्ट्स में जाके कोई भी एनिमेशन इफेक्ट चूज़ करके अप्लाई कर देंगे हम इन चारों टाइप्स में से बेसिकली जो एनिमेशन इफेक्ट अपनी टेक्स्ट पे या अपनी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर देंगे सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद एनिमेशन uh, टैब की तरफ जाएंगे एनिमेशन टैब में जाके हमारे पास ये सारे इफेक्ट शो हो रहे होते हैं इनमें से जो इफेक्ट आप चूज करके अप्लाई करना चाहते हैं आपको उसका रिजल्ट स्क्रीन पे शो हो रहा होगा प्रैक्टिकली एनिमेशन इफेक्ट्स को देखते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया टेक्स्ट को हम एनिमेशन टैब में जाके ये हमारे पास चार किस्म के जो हो रहे हैं एनिमेशन इफेक्ट्स हम एनिमेशन इफेक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा नेक्स्ट हम जो अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लेंगे एनिमेशन इफेक्ट उसके बाद हम अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और पिक्चर पर एनिमेशन अप्लाई करेंगे मोशन पाथ हमने सेलेक्ट किया और स्लाइड टाइमिंग्स दैट इज़ टू सेटअप स् टाइमिंग्स इन पावर पॉइंट स्लाइड टाइमिंग सेट करने के लिए हमें ट्रांजेक्शन के टैब पर जाते हैं और वहाँ पर क्लिक ऑन टाइमिंग हम वहाँ पर टाइमिंग्स पर जाके वहाँ पर हमारे पास एक मेन्यू शो हो जाता है हम वहाँ पर अपनी स्क्रीन को जित कितनी देर के लिए अपनी प्रेजेंटेशन टाइम में शो करवाना चाहते हैं हम अपनी स्लाइड्स पर ट्रांजेक्शन को कितनी देर के लिए अप्लाई कर स्लाइड्स को कितनी देर के लिए शो करवाना चाहते हैं हम वो सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे आ, इससे के लिए देखते हैं स्लाइड टाइमिंग्स हमने एक्चुअली होते हैं कि स्क्रीन पे अपनी स्लाइड्स पे जो ट्रांजिशन अप्लाई की हुई है हमने हम उसकी टाइमिंग्स को मैनेज करना चाहते हैं यहाँ पे हम एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं अब आप देखें हमें इसी पे ट्रांजेसन टैब पे ही साइड पे टाइमिंग शो हो रही होती हैं हम इनको सेट करके अपनी मर्जी से एडजस्ट करके हम दिखा सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पे ये ट्रांजेसन स्लाइड्स कितनी देर के लिए अपीयर होंगी पिक्चर्स एंड बैकग्राउंड पिक्चर्स एंड बैकग्राउंड के लिए हम मार्जिन पर राइट क्लिक करते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड हमारे पास सेलेक्ट करते हैं हम फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन और चूज पिक्चर और टेक्स्चर फिल अपनी मर्जी से कोई भी पिक्चर चूज़ करके कर सकते हैं हमारे पास फाइल में पिक्चर है हम वो ऐड कर सकते हैं अदरवाइज क्लिप बोर्ड या ऑनलाइन हम सर्च करके पिक्चर ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट आता है हमारे पास बैकग्राउंड अगर हम बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हैं पिक्चर सेलेक्ट करके वहाँ पे बैकग्राउंड पे ऐड करेंगे अपनी स्लाइड के अकॉर्डिंग एंड देन सेंड बैक टू द टेक्स्ट कर देंगे मतलब कि वो स्लाइड्स के ऊपर हमारे पास एज अ बैकग्राउंड इमेज एक्ट करेगी और जो हमारा टेक्स्ट लिखा होगा वो सारा उस पिक्चर के ऊपर शो होने लग जाएगा हमें नज़र आएगा एक्टिकली हम सबसे पहले इंजर्ड के टैब पे जाएंगे इंजर्ड के टैब पे जाकर हम पिक्चर्स को सिलेक्ट करेंगे हम कोई भी पिक्चर ऐड करना चाहते हैं ऐड कर लेंगे मेरे पास पिक्चर अवेलेबल थी मैंने ऐड कर ली अगर आप ऑनलाइन ऐड करना चाहते हैं ऑनलाइन सर्ट करके भी कर सकते हैं आप पिक्चर को अपनी स्लाइड के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेंगे देन एडजस्ट करके राइट क्लिक करेंगे पिक्चर के ऊपर सेट बैकग्राउंड एज मतलब कि हमारी पिक्चर एज ए बैकग्राउंड एक्ट करेगी अब ये टेक्स्ट ऊपर शो होगा और पिक्चर हमारे पास बैकग्राउंड के तौर पर एड एक्ट हो रही है यहाँ से हम सारी चेंजिंग कर सकते हैं अगर हम रिमूव बैकग्राउंड चाहते हैं कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारे लास्ट टॉपिक दैट इज़ ड्राइंग टूल्स ड्राइंग टूल्स में हमारे पास ड्रॉ के टैब में हम जाके हमारे पास तीन किस्म के ड्राइंग टूल्स होते हैं पेन पेंसिल एंड हाईलाइटर हम जो भी सबकी अपनी अपनी डिफरेंट लुक होती है हम जिससे भी ड्रॉ करना चाहते हैं जो भी करना चाहते हैं हम चूज़ कर लेंगे और ईजीली ड्रॉ कर हमारे लेंगे हमारे पास जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है हम ड्रॉ कर लेंगे देखते हैं हम प्रैक्टिकली अब हमारे पास यहाँ पे लेटेस्ट में हमारे पास ड्रॉ का अलग से टैब होता है लेकिन यहाँ पे हमारे पास नहीं है तो हम डिज़ाइन पे या होम पे हमारे पास नजर आ रही है हमने कोई भी शेप लिया ड्रॉ की है हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से डीफिल कर सकते हैं जो करना चाहते हैं यहाँ पे सब हमें शो हो रहा है हम इसकी शेप चेंज कर सकते हैं शेप पे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई करके कर इसमें पे टेक्स भी एंटर कर सकते हैं हम इसको अपनी जिस तरह के लुक देना चाहते हैं हमारे पास ऊपर सारे इफेक्ट शो हो रहे होंगे हम इन पे अप्लाई करके इसको शो करा लेंगे अब यू गाइस एनी वन हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक्रीली थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज